हेलो दोस्तों, आप सभी का वार्म वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों जिला कोरिया की, और यहाँ पे जो टीचर वैकेंसी आई थी उससे जो रिलेटेड अपडेट है उसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा एक नोटिस, यहाँ पर व्यू कर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक नोटिस देखने को मिलेगा आप लोगों को दोस्तों। महेंद्रगढ़ का ये विज्ञापन है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों इस नोटिस में, जो 11 अगस्त को यहाँ पे टीचर वैकेंसी से रिलेटेड जो टीचर संवर्ग के जो पोस्ट हैं एकेडमिक कैटेगरी के, उसकी दोस्तों यहाँ पे पात्र पात्र की कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी। और 17 अगस्त तक का टाइम दिया गया था कि अगर कोई कैंडिडेट अपात्र की लिस्ट में शामिल हो गए हैं तो वे दावा आपत्ति लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 17 अगस्त के बाद दावा आपत्ति लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से एक नई लिस्ट जारी की गई है निराकरण के बाद। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस है और यहाँ पे दावा आपत्ति निराकरण पीडीएफ यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे ही इसको क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का पीडीएफ आप लोगों को देखने मिलेगा। और जो टीचर वैकेंसी से रिलेटेड जो एकेडमिक कैटेगरी में जो अपात्र में शामिल हो गए थे कैंडिडेट, तो उन्होंने दावा आपत्ति लगाया है और उनका नाम यहाँ पे देख सकते हैं, पात्र पात्र यहाँ पे वो पात्र की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। और यहाँ पे तीनों विकास खंड सोन है, था भरतपुर है, महेंद्रगढ़ है। तो यहाँ पे निराकरण के बाद जिन कैंडिडेट लोगों का यहाँ पे पात्र की लिस्ट में शामिल हुए उनकी पात्र की लिस्ट यहाँ पे आई है। यही छोटा सा अपडेट था दोस्तों आज कोरिया जिले में जिसको मैंने कवर किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। और अपना नाम आप चेक कर लीजिए दोस्तों पात्र की लिस्ट में।